नजरिया लागे न। मुंह तो मेरा तो साफ भी हो गया पर ये दवाई मैंने खाई नहीं। इतना अच्छा लगता है ना साफ होने को। बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने में भी खुश हूँ मैं। मेरे तो इधर इधर बहुत हो गया था, ज्यादा ही रह गई है इधर ही। वो भी चलेगी। और ऐसा नहीं कि आज चला गया तो छोड़ देना इसको, इस तरह से उसको मेंटेन करो ताकि वो दोबारा कभी दस्तक ना दे, दोबारा कभी ना। क्या जैसे गया है ना उसको मेंटेन करो ताकि वो कभी आपको जिंदगी में दोबारा दिखाई ना दे आपके फेस पे। हाँ जी, हाँ जी। लापरवाही करो लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। हाँ जी, मेंटेन करो। कोई भी चीज बहुत पुराना था ना, कितने साल पुराना था आपका? 3 साल हो गए मेरे को कंप्लीट मार्च में ना, मतलब जो इस साल में मतलब चौथा चल पड़ा था मार्च में, अभी मतलब 4 साल हो जा रहे थे। अच्छा, तो क्या क्या किया आपने 4 साल में इसके? बहुत ज्यादा, किसी ने क्या देना किसी ने क्या देना किसी ने, और भी ज्यादा फैलती थी, और भी ज्यादा फैलती थी। पहले तो यहाँ पे नाक पे थी थोड़ी सी, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके इधर हो गई, फिर इधर हो गई। हाँ, ऐसे करके। आपने जो तस्वीर भेजी है पूरा, ये पूरा बटरफ्लाई बन गया आपका, है ना? हाँ जी, बहुत नाक से लेके पूरा ये, और आंखें भी काली हो गई थी आपकी, आंखें काली हो गई थी बिल्कुल काली हो गई थी मेरी। अभी अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। नजर से बचो और डाइट का ख्याल रखो, लड्डू मत छोड़ो। लड्डू कभी बोलता है ना मेरे को जब बाहर निकलती हूँ, मासी बोलते क्या लड़की को बिठा के जाओ। सही बोलते हैं आपको घर में, सही बोलते हैं, काला टीका लगाओ। देखो हमें नहीं पता ना हमें कौन किस नजर से देख रहा है, कौन जलेसी की नजर से देख रहा है, कोई हसद की नजर से देखता है कि इसका हाँ जी। हाँ, अभी पता नहीं क्या किया इसने, गायब हो गया। अब उसको तो नहीं पता ना आपने बम्पर में यूज किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें नजर से बचो। कितना अच्छा, मतलब आपका फेस टेक्सचर भी अच्छा हो गया, मतलब मुरझाया हुआ था आप खिल गया पूरी की तरह, अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ये ऐसा है ना कि इसको चलते फिरते ऐसा बैठ के डर के ऐसा नहीं करना, खुले खुले दिल से खुले दिमाग से, है ना, चलते फिरते खाते पीते, अपना ट्रीटमेंट भी हो रहा है आपका फेस पे, है ना, काम हो रहा है, बाहर भी जा सकते हो। आप ऐसे क्या वो दिख तो नहीं रहा है आपने जो लगाया है फेस पे, वो दिख नहीं रहा ना, बाहर भी सब्जी भाजी जो भी आपका बाहर का काम काज होता है लेडीज का, वो कर सकते हो आप आराम से, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा रिजल्ट मिला है आपको। और अभी कितना टाइम हो गया आपको पूरा यूज करते? मेरे को मतलब 20 अगस्त को मेरे को एक मंथ हुआ है, सॉरी सितंबर को एक महीना। हाँ जी, जी। हाँ, मतलब 1.5 महीना हो गया आपको टोटल लगाते हुए, 1.5 महीना है ना, 1.5 महीने अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है इसको, इसका मतलब कि आपने अच्छे से उसे यूज किया है। जो जो गलत आ गई है, जो सप्लीमेंट जो है गलत आ गई, उसको चेंज करके सही लिया है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया बम्पर रेमेडी तब आपको ऐसा डर वर नहीं लगा कि यूज करने? नहीं, मेरे पास को मतलब बहुत, मतलब अभी तो ये सोच रही हूँ कि मैंने अभी मतलब 2-3 महीने हो गए तो मेरे को आपको मतलब फॉलो करते हुए, अगर मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया होता तो आज मुझे साफ ही होता। कोई बात नहीं, देखिए हड़बड़ाहट नहीं करना, मैं यही सबको कहती हूँ कि देखो जो चीजें आपके सामने आई है ना उस पे ऐसे आंख बंद करके उठाओ लगाओ खरीदो लगाओ वो नहीं करो, आप अपने पैसे वेस्ट मत करो, वही पैसे को खाओ, वो पैसा वेस्ट करते हो ना इधर उधर, उसको खाओ आराम से, ठीक है? हाँ, खाओगे हेल्दी रहोगे। और ये अच्छा कि 2-3 महीने आपने देखा ना, जांचा पड़ता, उसके बाद रोज वीडियो देखती, रोज वीडियो देखती हूँ आपकी। बेटा बोलते मम्मी आप भी इनको ही देखते रहो। ऐसे ही होना चाहिए, मैं यही कहती हूँ सबको, खूब अच्छे से देखो, खूब अच्छे से देखो, एक बार में नहीं समझ में आए बार बार देखो, 2-3 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार, जितना बार आपका मन करे देखो, खूब अच्छे से समझो उसको, है ना, जांचो परखो सर्च करो, है ना, उसकी जानकारी निकालो और फिर उसको इस्तेमाल करो। जब अगर आपका दिल चाहे तो आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करो ना उस वक्त आपका दिल दिमाग उसकी तरफ से फ्री हो, जो वो होता है ना नेगेटिव चीजें हमारे अंदर वो ना हो हमारे अंदर, पॉजिटिविटी से आप चीज करोगे तो ज्यादा असर करेगा, ठीक है? बहुत अच्छा कि आपने वेट किया, देखा,
जांचा पढ़ने किया। बहुत अच्छा, तू फैमिली है हमारी, ऑडियंस जो हमें देखती है, तो उससे कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी तरफ? मतलब हाँ जी, जी बिल्कुल, मतलब जो भी मतलब ऐसे कोई फालतू प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको मिस करें, जो भी ये मैं बता रही हूँ कि ये यूज मतलब 100% ठीक हो जाएंगे, मैं तो ये बोलती हूँ बंपर रेमेडी से। हाँ जी, हाँ जी, और अच्छे से यूज करना है। मैंने कभी वो दवाई भी खाई नहीं, तब भी देखो मेरा मुंह बिल्कुल साफ हो गया है, और मैं खाऊंगी और मतलब इनको बोल रही हूँ जो वीडियो देखेंगे, दवाई अभी यूज करना है और ये भी, पर मैं खा रही हूँ, मेरी आई नहीं ना तब करके। दिखा दो ना, थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है आपके फेस पे, है ना, देखो देखो अंधेरा है माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा माशाल्लाह। नजर मैं तो बहुत, मैंने कहीं जाना था, किसी ने ये बोलना था यार तेरे मुंह में क्या हो गया, किसी ने वो बोलना था तेरे मुंह में क्या हो गया, क्या बोलना था, चुप। तो जो लोग डरते हैं बंपर इमेजिंग यूज करने से, तो उनको क्या मैसेज दोगे आप, क्या कहना चाहोगे जो लोग डरते हैं बंपर इमेजिंग यूज करने से, या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है उनके अंदर, है ना? मैं उनसे मतलब ये कहना चाहती हूँ, आप यूज करें, विश्वास करें, पहली बात है विश्वास करें। हाँ, अगर विश्वास है तो यूज करना, मतलब जो भी मतलब होगा ना आपको सारा ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, फिर मैं आपसे बात करूँ, क्या होता है आप लोगों का, आप लोगों के मैसेज से किसी को जागरूकता मिलती है, किसी को बिल्कुल जो डर के पड़े हैं कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा उनको रास्ता मिलता है, आप लोगों के योगदान से किसी की लाइफ रखती है, इससे इसके चक्कर में, पिगमेंटेशन के चक्कर में कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है, मैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं दिखाती हूँ, अगर दिखाने पे आऊंगी तो आप लोग रात दिन रोते ही रहो। अब मैं लोगों से टच हो रही हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ ना, तो लोगों को मुझे पता चल रहा है कि कितनी सारी लड़कियां हैं जो ससुराल में ऐसी जिंदगी जी रही है जैसे कि कैद होता है ना जेल, उससे भी बिल्कुल ठीक है। मेरा ऐसा कर रहा है, अभी मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई संस्था ज्वाइन करती हूँ जिससे कि मैं ऐसी लड़कियों को वहां से निकाल सकूं, ऐसी लड़कियों को मैं थोड़ा सा वो कर सकूं, मैं ना बहुत प्यार करती हूँ लड़कियों से, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।